नौसेना दिनानिमित्त भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेव्हीच्या शौर्याचं कौतुक केलं. यावेळी नौदलातील पदांच्या नावात मोठे बदल होतील अशी घोषणा देखील केली. तसेच नेव्हीत महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी सुद्धा सूचना दिल्या. छत्रपती वीर शिवाजी महाराज जाणते थे की किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है. उनका उद्घोष था जलमेव यश बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है. उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई. कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है. मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं. साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है. मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है. नए एपोलेट भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे. ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था. अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा. अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है. भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है. हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं. मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है. आमचे दिवसभरातील सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाइव पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाइक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सॅटेलाइटचं यूट्यूब चॅनल.